तुमको जो चाहे वो करना है वो करो, मैं तो खुद परेशान हो गया। नया नौकरी लगा, ज्यादा ज्यादा निकाल देंगे। ये जो आप कंपनी देख रहे हो मार्क करके है दिल्ली में झंडे वालान में, इसका जहाँ से मैंने टायर ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 8 तारीख हो चुकी है आज। एक पार्सल पहुँचाना था हिमपाल, सैटरडे की टाइम बोला था, आज ट्यूसडे हो गया। मुझे पूछना बाकी भी यहाँ पे DTDC वगैरह में पूछ रहा था, वो लोग मुझे 5 से 7। सो गाइज, हमारा जो ट्रैक है वहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कहीं से वहाँ आए उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर आ गए। ये पूरा नज़ारा है और सामने पहुँचते पहुँचते सनसेट हो गया है। ये जो अम्मा है इन्होंने मुझे ये पहनाया है, थगाचरी इमा है यो। थगाचरी इमा है यो। थगाचरी इमा है यो। वेरी गुड मॉर्निंग, फाइनली हमारी सुबह है वो यहाँ पर हो गई। हालांकि मैंने फैन ऑन कर रखा है, गर्मी है यहाँ पर काफी ज्यादा, और अभी मैं हूँ मोरे में। अभी मोरे से मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। इवनिंग में जब मैं गया था तब यहाँ का मार्केट बंद हो चुका था, लिटरली यहाँ 4:30-4 बजे बंद होता था। मैं निकला था 4:45 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास, जिस वजह से मैं कुछ नहीं दिखा पाया था। मेरे फिंगर्स का कलर देखो, यहाँ से हाथ ऐसा, यहाँ से ऐसा। खैर चलिए चलते थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर जो अपना मोरे का मार्केट है वहाँ घूम रहा हूँ, यानी मणिपुर में। सामने म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार फ्रेंडशिप गेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भाई लोग हैं। तो ये हमारे वहाँ पर जो शीर्ष होता है उसके ऊपर लगते हैं पत्ते से, लेकिन यहाँ इसको अलग बोला जाता है। और ये दूसरी चीज़ है, क्या बोलते हैं भैया इसको? मोंकी राइस। यौन चाक। बंदर का खाना बहुत महंगा है। अच्छा अच्छा, कितने रुपए किलो होता है? बहुत महंगा है, 3 पीस में 100 रुपया। 3 पीस में 100 रुपया, मतलब 1 पीस ये है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा 1 पीस। अच्छा 1 पीस ये, 1 पीस 3 पीस में 100 रुपए। 3 पीस 100 रुपए। ओके ओके, तो आप ये पेड़ो यहाँ जंगल में लगते हैं, खुद के पेड़ है? घर में। अच्छा घर में लगते हैं। ओके नाइस। एक सीजन में ना 2-3 लाख रुपया एक पेड़ में कमाई होता है। ये सबसे फेवरेट है हम लोग का, मणिपुर का सबसे फेवरेट है। इम्फाल लेके जा रहे हो इनको? तो सब्जी बनाते हैं, चटनी बनती है इसकी? सब्जी। ओके ओके नाइस, बहुत मतलब पहली बार ही देखा है मैंने, क्योंकि मैं देख काफी देर से रहा था मार्केट में घूमते हुए कल से ही कि क्या चीज है। ये देखिए, ये बर्मा से है। ओह नाइस। तो भाई लोग अभी हम घूम रहे हैं मोरे में, और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ बर्मा गेट की तरफ। ये पूरा मार्केट है, और जो अभी आपको मैंने दिखाया, जो इसकी सब्जी चटनी बनती है, वो सब यहाँ पर वो बर्मा से आए हुए लोग लगाते हैं। यानी जो बर्मा के लोग हैं वो यहाँ पर आकर मार्केट लगाते हैं। पहले वहाँ लगता था मार्केट, और अब यहाँ इंडिया में लगने लग गया है। तो लोग चोरी छुपे आते हैं, मतलब अलाउ तो नहीं है, यहाँ पर आकर मार्केट वगैरह लगाते हैं लोकल लोग हैं वो। ये यहाँ का मोरे का पूरा मार्केट है, जहाँ पर अभी सुबह सुबह सब कुछ खुल गया है और लोग यहाँ सामान वगैरह बेच रहे हैं अपना। सो भाई लोग, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप गेट, यानी इस गेट के इस पार इंडिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और ये मार्केट लगा हुआ है। और इसी गेट के उस पार, यानी इस गेट को पार करने के बाद म्यांमार आ जाएगा, जिसको जहाँ से तामू टाउन स्टार्ट होता है उसको तामू मार्केट बोला जाता है। बहुत सारी शॉप्स लगती हैं वहाँ पर, और काफ़ी बड़ा मार्केट था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो मार्केट बंद है। और यहाँ पर मिलिट्री रूल स्टार्ट होने की वजह से वहाँ के लोग यहाँ पर आकर सामान बेचते थे, लेकिन अभी आज कुछ ट्रेजडी होगी, लगभग 12-13 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसलिए अभी लोग यहाँ पर आकर अपना सामान बेचते हैं, यहाँ अपना मार्केट लगाते हैं। अभी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से हम इससे आगे नहीं जा रहे। हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से थाईलैंड, मलेशिया, देन सिंगापुर रहेगा। तो अभी का जो सफ़र है हम म्यांमार को स्किप कर रहे हैं, बाकी अब मार्केट घुमाते हैं आपको, फिर चलेंगे नेक्स्ट ईयर के। ये हांगकांग बाजार है जहाँ पर आपको वेजिटेबल्स वगैरह सभी मिलती हैं, और यहाँ पर जो इमा मैंने बताया था माताएं हैं वही मार्केट लगाती हैं यहाँ पर। पूरा देख सकते हैं सारा एक ही हट के नीचे आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। ये हमारे वहाँ पर इसको सरसों बोलते हैं, यहाँ पर सरसों वगैरह भी मिल रहा पूरा, और ये सारी अपने टमाटर वगैरह जो भी होता है मार्केट गाइज ये है। यहाँ मछलियाँ वगैरह मिलती हैं सारी, फिश मार्केट है पूरा, दूर दूर तक जैसे आपकी नज़र जा रही है, ये सारा फिश मार्केट है यहाँ का मोरे का। और काफ़ी सारे लोग खरीदने आते हैं, ये देखिए पीछे की तरफ, ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। सो गाइज हम निकल पड़े हैं मोरे से, पीछे हमारी शहजादी है यहाँ पर, और हमारे साथ अयूब भैया हैं, मोहम्मद अयूब खान, जो हमें इम्फाल तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। भैया हैं यहाँ से, कहाँ से हो भैया? मैं थोबाल, मणिपुर। अच्छा थोबाल डिस्ट्रिक्ट से हो, हमें थोबाल होके आया था। पहले असम राइफल्स में थे भैया, एक सर्विसमैन हूं। अच्छा एक सर्विसमैन है, और अभी हम मोरे से निकल रहे हैं यहाँ से। तो यस, सो भाई लोग जहाँ पर अभी हूँ ये मोरे मार्केट है, और यानी म्यांमार का बॉर्डर यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। यहाँ तक का सफ़र बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा रहा,
और मोरे भी मुझे बहुत पसंद आया। इन फ्यूचर अगर सब ठीक रहा तो फिर कभी आया जाएगा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ डायरेक्ट इम्फाल के लिए। बहुत सारी कहानियाँ बन चुकी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, उन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और इम्फाल जाकर पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी सामने इंडियन आर्मी भी है और ये यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि यहाँ कुछ ऑफिसर्स आ रखे हैं। म्यांमार में एक गृह युद्ध छिड़ चुका है, आर्मी और सिविलियंस के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम म्यांमार नहीं जा रहे हैं। म्यांमार से हम सीधा थाईलैंड, मतलब इंडिया टू थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड के बाद हमारा सफ़र है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप ये जो हाईवे देख रहे हैं, इसी हाईवे सर हाईवे से मैं चढ़ कर आया था उस दिन। अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टीप चढ़ाई थी, यानी अभी बहुत डाउन लग रहा है। ऐसा लग रहा है साइकिल पे बैठा तो डेढ़ दो घंटे में तो मैं पहुंच जाऊंगा इम्फाल साइकिल से भी। सो हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून कह लो, मॉर्निंग कह लो, इवनिंग कह लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी दिन हो चुके हैं इम्फाल में। और एक मार्क कंपनी है करोल बाग में है, इसने मुझे इतना गंदा डिच किया कि उसी की वजह से मैं यहीं स्टक हूँ। क्योंकि मुझे मेरे जो टायर्स हैं साइकिल के, शहजादी के जो टायर्स हैं फ्रंट और बैक, ये घिस चुके हैं, पंक्चर हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इनको चेंज कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैंने कुछ टायर्स ऑर्डर किए थे जो अभी तक नहीं आए हैं और मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ इस रूम के अंदर। यानी दो तीन दिन में डिलीवर होने वाले थे 2 तारीख को, आज मुझे 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। हर दिन का खर्चा मेरा 1000 रुपये के आसपास है, तो काफ़ी बुरी तरह डिच हो चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। खैर जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा, इस कंपनी के बारे में हमें बहुत सारे रिव्यू डालने हैं। बट अभी मैं जा रहा हूँ एक पास में एक लोकेशन है वहाँ घूमने के लिए। सोचा बैठा बैठा क्या करूँ, रोज वेट करता रहता हूँ, आ जाएंगे कल आएंगे पता नहीं कब आएंगे, बट अभी मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो चलिए आपको एक अच्छी लोकेशन लेके चलता हूँ। सो गाइज, धर्मशाला से निकलने के बाद अभी मैं चियरो चिंग की तरफ जा रहा हूँ और ये देखिए स्लोप बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये जगह थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है और अच्छी भी है। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से पूरा आपको इम्फाल का नज़ारा दिख जाएगा। ये पूरा चढ़ाई है यहाँ से और ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अपने राजस्थान हरियाणा में भाई लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, वैसे ही इस पहाड़ पर भी यहाँ के लोग दौड़ दौड़ कर चढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ और सामने आपको जो दिखाया जगह दिखाई दे रही है वहीं जाना है मुझे। उसको चियरो चिंग ट्रेल लिखा आ रहा था गूगल पे अभी और काफ़ी सारे लोग वहाँ ऊपर जा रहे हैं। ये कुछ रास्ता है यहाँ का, पीछे एक ओपन जिम भी है और एक ऊपर भी पार्क बना हुआ है। ऐसे ही मुझे आगे वो सीढ़ियाँ चढ़नी है पूरी, जहाँ से पूरा मणिपुर आई मीन इम्फाल का नज़ारा दिखेगा। सो गाइस, हमारा जो ट्रैक है वहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कहीं से वहाँ आए उस पॉइंट पर और उस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर आ गया हूँ। ये पूरा नज़ारा है और सामने पहुँचते पहुँचते सनसेट हो ही गया है। इस तरफ का नज़ारा देखिए आप, पूरा बहुत खूबसूरत सा। ये पूरा इम्फाल है, मणिपुर की कैपिटल, और ये दृश्य है पूरा इस रेंज का। अभी ठंडी हवाएँ चलने लग गई यहाँ पर, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ फाइनली। सो गाइस, इस वक्त मैं इम्फाल में ही हूँ। ये जो आप कंपनी देख रहे हो मार्क करके है दिल्ली में झंडे वालान में, इसका जहाँ से मैंने टायर ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 8 तारीख हो चुकी है आज और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो चुका है मेरा। यहाँ पर जहाँ मैं खाना खाता हूँ वो ये जगह है, यहाँ पर मैं अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब यहीं पर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर सब बहुत कॉस्टली है। इसी वजह से मैं इस कंपनी के लिए आप सभी को बोलना चाहूँगा कि इसको आप रिव्यू डालिए और इनको बताइए कि कितना बड़ा फ्रॉड कंपनी है। जब मैंने इनको कॉल किया कि मेरा कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, अपना रिफंड ले लीजिए डिलीवरी चार्ज। बट बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। और अभी मैं कल की फ़्लाइट से जा रहा हूँ थाईलैंड, तो ये पेनफुल था मेरे लिए बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ मैंने लिखी, ये मेरा AWB नंबर है जो कि बाई एयर आने वाला, जो मैंने 30 तारीख को ऑर्डर किया था। भवानी सिंह वो कहाँ पे? एक पार्सल पहुंचाना था इम्फाल, सैटरडे की टाइम बोला था, आज ट्यूसडे हो गया, मुझे पूछना है। आप यहाँ पे बुला दीजिए भैया, नहीं ऊपर नहीं जाना मुझे, उसमें साइकिल का टायर है। आज सैटरडे को पहुंचना था, आज आज ट्यूसडे हो गया है। मैं तो बोलना चाहिए था ना, आपने मुझसे 100% श्योरिटी बोला था, वो तो नहीं बोलना चाहिए ना। फिर बाकी भी यहाँ पे DTDC वगैरह मैं पूछ रहा था, वो लोग मुझे 5 से 7, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि सैटरडे पहुंचा देगा। आप मुझसे कितने पैसे लिया? 660 रुपीज़ लिया, वो भी 3 दिन में पहुंच जाएगा बोल के। पर मैडम पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात है, हमें पैसे भी का भी फर्क पड़ता है ना। ऐसे कैसे 600 इसीलिए दिया क्योंकि हमें चाहिए था पार्सल वहाँ 3 दिन में। वजह से परेशानी हो रही है, मैं तो मेरे को इनकी वजह से हो रही है। जितने फोन करने थे सबको कर दिए, आपको क्या? मैं तो वो
ऊपर पूछ के आया और यहाँ बोल दिया ना, वो भी मेरी भूल है, मैं स्वीकार करता हूँ। तुमको जो चाहे वो करना है वो करो, मैं तो खुद परेशान हो गया। नया नौकरी लगाओ, ज्यादा ज्यादा निकाल देंगे। मैं देखो यहाँ आ गया था 1 तारीख को, और देखो मैं आज 7 तारीख होगी, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा रोज का खर्चा यहाँ पर हो, जहाँ रुका हूँ 1000 रुपए खर्चा है मेरा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाहर रोड पे भी नहीं रुक सकता, तो कम से कम 7-8 हजार रुपए मेरे खर्च हो चुके हैं। कितना होता है एक इंसान, एक इंसान परेशान कितना होता है, ये बड़ी बात है ना यार। मैं खुद समझता हूँ यार, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपकी कंपनी थोड़ी सी फ्रॉड ही एक तरीके से। मैंने 660 रुपए इसीलिए एक्स्ट्रा दिए थे ताकि मतलब वो ना हो कि भाई चलो ठीक है कोई नहीं जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से थाईलैंड के लिए। मैं 7-8 हजार रुपए मेरे लग चुके हैं और कल भी पता नहीं कब तक आएगा। दीदी ने भी बोला था अर्जेंट। जो बंदा बात कर रहा हूँ गुजरात से, काफी अच्छा है, क्योंकि वो एक नौकरी करता है, उसकी गलती नहीं मानूंगा, लेकिन इस कंपनी को मैं फ्रॉड बताऊंगा, क्योंकि इसी कंपनी की वजह से मेरे को बहुत नुकसान हुआ, बहुत झमेला लफड़ा हुआ है। मार्क एक्सप्रेस वगैरह करके झंडे वालान में है, ये प्रॉपर कंपनी है मार्क एक्सप्रेस। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये देखिए। सो भाई लोग, अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये इमा कैथल मार्केट है, मणिपुर का सबसे ज्यादा और एशिया का लार्जेस्ट मार्केट कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वही मार्केट लगाती हैं, ये यहाँ की एक खासियत है। और काफ़ी सालों से ये मार्केट लग रहा है, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगा, सामने क्या लिखा हुआ, इमा कैथल। लास्ट में इमा का मतलब माँ होता है और कैथल का मतलब मार्केट होता है, ये नंबर वन है। सामने जो आप लाइटिंग देख रहे हो इस रोड के पार यानी फ्लाईओवर के उस तरफ, वो मार्केट 2 है, और यहाँ पर जो इमा कैथल है ये मार्केट 3 है। ये नुप्पी करके भी कुछ लिखा हुआ, नुप्पी कैथल, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या है ये। और यहाँ पर आपको खासकर कई सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि आप मेरी राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स, उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद देवी देवताओं के लिए पूजा करने का सामान वगैरह होता है, वो सब मिलता है। और ये जो मार्केट है ये मॉर्निंग में 3-4 बजे स्टार्ट हो जाता है, और अभी शाम को 5-6 बजे हैं, इस वक्त तक लगा रहता है। इसके जस्ट रोड के उस पार जो आप ये जगह देख रहे हो, इस मार्केट को बोलते हैं हिमा कैथल 2, जहाँ पर आपको क्लोथ्स वगैरह मिलते हैं मणिपुर के। और आप जो मेरे इस साइड में देख रहे हो, ये अभी क्लोज हो चुका है, ये भी कपड़ा बाजार है एक तरीके से, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे टाइप के कपड़े मिलेंगे। और ये काफ़ी खास और स्पेशल चीज़ है यहाँ की, तो मैं पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर हूँ, यहीं पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ मैं अक्सर शाम को वॉक करने के लिए आता हूँ, सोचता हूँ कि दिखाऊंगा, लेकिन मैं कैमरा लाना भूल जाता हूँ। आज मैं लेकर आया था, इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत कुछ डाला इसके बारे में, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हो। और बड़ी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमकर। नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, और खासकर ये मार्केट मुझे बहुत पसंद आया। सो दोस्तों, ये इमा कैथल है, यानी यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं वो यहाँ पर मार्केट लगाती हैं। अच्छा, ओ शुक्रिया। ये जो अम्मा है इन्होंने मुझे ये पहनाया है, थगाचरी इमा हयो, थगाचरी इमा हयो, थगाचरी इमा, थगाचरी इमा हयो।